हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लोडिंग गाड़ी कैसे चलाया जाता है। यह जो पिकअप है, टाटा का योद्धा पिकअप है, और इसको अभी बांस लोड हो रहा है। देखिए, देख सकते हैं इस पर अभी लोड हो रहा है बांस। लगभग 100 बांस इस पर लोड किया जाएगा और बहुत ज़्यादा इस पर वजन हो जाता है। और किस तरह से इस गाड़ी को चलाया जाएगा सो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। तो बस आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और अभी जो बांस लोड कर रहा है, यहाँ ऊपर में है अभिषेक कुमार और नीचे में देख सकते हैं कौन है, इधर में लोड कर रहा है राहुल कुमार और निशांत कुमार। अभी बांस लोड कर रहा है, इस पर लगभग 100 बांस लोड किया जाएगा। और लोडिंग गाड़ी किस तरह चलाया जाता है आप लोगों को आज पता चलेगा। तो बस आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए, राहुल कुमार जो अभी बांस धरा रहा है ऊपर, और इधर से इधर आ रहा है निशांत कुमार, बांस को ऊपर लेकर जा रहा है। और गाड़ी में है जो गाड़ी अभी पूरा खाली है। तो देखिए केसस पकड़ रहा है और गाड़ी अंदर से पूरा खाली, कुछ नहीं है इसमें। अभी रखाएगा, इसमें रस्सी रखाएगा। तो देखिए, लगभग 70 से 80 बांस इस पर लोड हो चुका है अभी तक। और अभी बांस और रखा रहा है पूरा बांस इस पर, लगभग 100 से ऊपर रखाएगा। तो दोस्तों, इस पर अब पूरा बांस लोड हो चुका है और रस्सी सब बंधा रहा है, इसको बांध रहा है अच्छे से क्योंकि गिर ना जाए रास्ते में। तो फाइनली दोस्तों, पूरा बांस लोड हो चुका है और रस्सी से अच्छे से बंधा भी गया है। तो देखिए किस तरह से बांधा गया हुआ है, सर पूरा जो है बांस अच्छे से बांध दिया गया है, पूरा परफेक्ट तरीके से। देख सकते हैं पूरा टाइट अच्छे से हो चुका है, पूरा अच्छे से बांध दिया गया है। और देख सकते हैं कितना बांस है, सो 100 बांस इस पर लोड हुआ है, 100 बांस। अब देखिए कि किस तरह से गाड़ी को चलाया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अभिषेक कुमार ने गाड़ी को चालू कर लिया है और फर्स्ट गियर लगा लिया है और धीरे धीरे क्लच को छोड़ेगा। देख सकते हैं, और देखिए कितना लोड है, सो देख सकते हैं। पहले भी हम बोल चुके हैं कि इस पर 100 बांस अभी लोड हो चुका है, और 100 बांस हो चुका है। और देख सकते हैं किस तरह से चल रहा है गाड़ी से, एकदम धीरे धीरे अब सेकेंड गियर डाल रहा है, क्लच को प्रेस करके सेकेंड गियर डाल दिया है और बिना एक्सलेटर के गाड़ी को चला रहा है। देख सकते हैं बिना एक्सलेटर को गाड़ी चला रहा है, अभी एक्सलेटर नहीं लिया है। और ऐसे ऐसे रास्ते में बिना एक्सलेटर का ही गाड़ी चलता ही है, और लोडिंग गाड़ी तो कुछ ऐसा ही चलाना है पड़ता है। और शीशा देख रहे हैं, शीशा फूट गया है। तो दोस्तों, इसी तरह से आप लोग भी लोडिंग गाड़ी को चलाइएगा। तो दोस्तों, जिस तरह से मैं अभी आप लोगों को बताया हूँ लोडिंग गाड़ी चलाना, और देख सकते हैं कि 100 बांस इस पर लोड था, 100 बांस। और 100 बांस लोड करने के बाद आप जो लगभग सेकेंड नंबर गियर तक ही चलाइएगा। अगर गांव देहात में अगर गाड़ी को लेकर जा रहे हैं लोडिंग करके, तो कम से कम सेकेंड गियर डाल लीजिएगा और आराम से चलाइएगा। और जिस तरह से हम आप लोगों को बताएं वैसा ही चलाइएगा, एकदम धीरे धीरे चलाना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय।